बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी का, आपके फोरम का और रमाकांत जी का। बहुत कुछ कह दिया है अमरीश जी ने और नंदकिशोर जी ने, उनको सुन के लगता है सुनते ही रहें आगे। मैं अपने आप को अर्ली चाइल्डहुड पे केंद्रित रखते हुए बात रखती हूँ। तो देखिए 1986 में सबसे पहले अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को मान्यता दी गई थी। उसमें इट वाज इंक्लूडेड दैट अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सर्विसेज शुड बी प्रोवाइडेड। इनफैक्ट जब एक थोड़ा सा सेलिब्रेशन सोटो से हम कह सकते हैं हमारे सेक्टर में, तो 1986 में मैं तब कॉलेज में थी और जो हमारे सभी टीचर्स थे बहुत ही खुश हुए थे कि देखिए नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को रखा गया है। तो उस तरीके से अगर हम आगे देखते हैं तो आज अगर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इस शिक्षा नीति में इंक्लूड की गई है तो एक किस्म से ये जो पहले का था उसी को आगे लेके चले हैं। और आज के दिन में एक्चुअली अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को आप नकार ही नहीं सकते हैं। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में आज के दिन में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इंक्लूडेड नहीं होता है तो वो यही दिखाता है कि देश पिछड़ा हुआ है या देश जो है वो लेटेस्ट रिसर्च से अनभिज्ञ है, बिल्कुल जानता ही नहीं है लेटेस्ट रिसर्च के बारे में। तो उस तरीके से कहें तो एक तरफ से इट इज नॉट टू से सो मच ऑफ अ गेन, इट वॉज एन ऑलरेडी एक्सपेक्टेड थिंग। There was an indication already in 1986 policy कि ये है इसमें और यहाँ पे से और जोर दिया गया। परंतु साथ ही यहाँ पे जो पॉजिटिव है जो 1986 की पॉलिसी में नहीं था, जो इस पॉलिसी का जो बहुत बड़ा गेन है अर्ली चाइल्डहुड के क्षेत्र में, वो ये है कि अर्ली चाइल्डहुड को स्कूल एजुकेशन के साथ अब जोड़ा गया है। सो दैट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग, ये बहुत अच्छा है। जो 3 to 8 ईयर्स का जो एक पूरा ग्रुप है इसको अपने आप में एक खंड माना गया है। सो दिस इज द न्यूनेस ऑफ दिस पॉलिसी। इस पॉलिसी में का नयापन जो है और जो एक पॉजिटिव बात है वो ये बात है कि ये माना है कि अगर हम 3 to 6 को स्कूल एजुकेशन के साथ नहीं जोड़ेंगे तो हम बच्चों को टोटली जो सर्विस प्रोविजन है वो नहीं कर रहे हैं पॉलिसी लेवल पे। दिस इज अ वेरी गुड थिंग। और यहाँ पे इस बात को सबसे पहले कहा गया था 12th 5-year plan में। जब 12th 5-year plan डॉक्यूमेंट बना था तो उसमें भी ये बात कही गई थी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के जो सेक्शन था कि 3 to 8 years शुड बी सीन एज अ यूनिट। और इसका कारण क्या है इसको एज अ यूनिट देखने का, वो ये है कि बच्चों के विकास को बहुत हम एज रिलेटेड उसमें देखते जरूर हैं, 3 साल का बच्चा ये करता है, 4 साल का ये, 5 साल का ये, परंतु हर वक्त हम बच्चों के विकास को खासकर प्रारंभिक वर्ष में बहुत एज रिलेटेड तरीके से नहीं देख सकते हैं क्योंकि देर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेज इन डेवलपमेंट। सो हो सकता है कोई बच्चा एक पर्टिकुलर विकास के क्षेत्र में आगे हो और दूसरा किसी और क्षेत्र में। तो जब हम 3 to 8 को एक कंटिन्यूटी में देखते हैं, यानी प्री स्कूल एंड क्लासेस 1 and 2 को एक कंटिन्यूटी में देखते हैं, तो बच्चे के पास एक समय, एक टाइम फ्रेम रहता है वेरियस स्किल्स को हासिल करने का, वेरियस कॉम्पिटेंसीज, वेरियस कॉग्निटिव एबिलिटीज को सभी बच्चे एक साथ तक पहुंच सकते हैं 8 वर्ष तक। तो कोई बात नहीं है अगर कोई बच्चा इस समय 4 साल में उसका कोई थोड़ा सा विकास किसी विकास के क्षेत्र में वो बाकियों से थोड़ा पिछड़ा नजर आ रहा है तो कोई बात नहीं, उसके पास समय है उसको आगे तक पहुंचने का। तो और 8 वर्ष का होते होते अगर सबको एक समान लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिले तो लगभग जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनके ऊपर सभी में काफी हद तक समानता आने की बात है। तो ये बहुत अच्छी बात है एट अ पॉलिसी लेवल। पॉलिसी लेवल करने के बाद परंतु अब यहाँ ये बात आती है कि इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे क्या ये सकारात्मक रूप से उतर पाएगा। दिस पॉलिसी डॉक्यूमेंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, पर सारी बात रहेगी कि ये कार्यान्वित हो पाता है कि नहीं, और उसमें जो भी हमें ग्रे एरियाज नजर आ रहे हैं पॉलिसी में, स्पेसिफिक 1, 2, 3 करके अगर मैं बताऊं इसी उम्र में, तो जो ये अंडर 3 to 6 एज ग्रुप को जो राइट नहीं दिया गया है, ये केवल यहाँ इसी बात से नहीं है कि नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स क्या होंगे। एक्चुअली जो सबसे प्रॉब्लमेटिक बात मुझे लगती है जो 3 to 6 ईयर्स को राइट ना देना, उसकी मुझे एज एन एकेडमिक सबसे प्रॉब्लमेटिक बात ये लगती है कि हमने यह डिफाइन नहीं किया है कि क्लास 1 में बच्चे की उम्र क्या होगी, 6+ होगी या 5+ होगी। और एज एन एकेडमिक एंड एज अ टीचर
स्पेशली इन द अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स मुझे ये सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात लगती है. ऑफकोर्स रिलेटेड बातें हैं क्योंकि आप कुछ रेगुलेशन किस तरह का होगा ये सब नहीं कर पाएंगे, बट एज एन एकेडमिक. अब मुझे ये बताएं, अगर मुझे ये नहीं पता कि छह साल का बच्चा क्लास वन में होगा, या अगर जिन देशों में क्लास वन 5+ पे है तो वो तो सेकेंड क्लास में होगा, तो मैं लर्निंग आउटकम्स एट द एंड ऑफ प्री स्कूल मैं क्या निर्धारित करूं? मैं 5+ बच्चे को दिमाग में लेके चलूं या मैं 6+ बच्चे को दिमाग में लेके चलूं? तो जो ये अनइवननेस है, अगर ये हम इसको राइट टू एजुकेशन के फ्रेमवर्क में लेके आते तो हम शायद ये कह पाते कि पूरे देश भर में अब 6+ इज द क्लास एंट्री टू क्लास वन, इन विच केस हमारे पास एक क्लियर फ्रेमवर्क है, यानी उससे पहले 3 साल आपके 3-6 जो है वो प्री स्कूल ईयर्स में. अब अगर 5+ है तो यानी कुछ बच्चों को तो 2 साल ही मिलेंगे प्री स्कूल को, तो शुरू के समय में ये असमानता काफी मायने रखती है बच्चे की लाइफ में, बिकॉज ऑल देर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेज इन रेट ऑफ डेवलपमेंट, और 5 और 6 महीने का डिफरेंस भी बहुत डिफरेंस मेक करता है. और यहाँ पे तो हमारा पूरा एक्चुअली में देखेंगे तो हमारा 2 साल का डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन एज ऑफ एंट्री, अभी भी हमारी जो क्लास में है बच्चे आते हैं एज रिलेटेड जो भी कट ऑफ होती है मार्च की हो या सितंबर या अक्टूबर या दिसंबर की, तो उसमें एक से दूसरे बच्चे में एक ही क्लास में 1 साल का डिफरेंस हो जाता है, जो कट ऑफ से 1 दिन पहले और कट ऑफ से 1 दिन बाद का लेकर चलो. तो अब जब हमारे पास ये हम 5+ और 6+ का डिफरेंस रख रहे हैं, तो हमारे पास नॉर्म्स का ही कट ऑफ जो है वो 2 साल का हो जाता है, तो जो भी हम सिलेबस बनाते हैं दैट मे नॉट बी अप्रोप्रिएट फॉर अ लार्ज मेजोरिटी ऑफ चिल्ड्रन. यहाँ पे एक ये वाली बात जो है वो आ जाती है, लर्निंग आउटकम्स जो है. तो जो सारा हमारा प्रयास था कि 3-8 को एक नजर में देखो, ताकि कोई उनकी उस तरीके से एज रिलेटेड हम बाउंड्रीज को थोड़ा सा कम कर सके, वो तो उल्टा एक तरीके से और थोड़ी सी बढ़ गई है. सो प्रिंसिपली इट इज ओके, बट इन इम्प्लीमेंटेशन टर्म्स आई डू नॉट थिंक देर आर गेन्स. आई थिंक दैट देर इज अ स्कोप for a lot of confusion. Also, 3-8 को एक साथ रखने का हम अर्ली चाइल्डहुड के सेक्टर में लोगों का नजरिया ये होता है कि क्लासेस 1 और 2 में भी प्ले बेस्ड मेथडोलॉजीज टीचिंग लर्निंग की चलती रहें, क्योंकि बच्चा अभी भी छोटा है, फॉर्मलाइजेशन ना हो. तो अब यह डिपेंड करेगा इम्प्लीमेंटेशन पे कि इस एज ग्रुप को एक साथ करने का असर क्या पड़ा है. क्या वास्तव में प्ले बेस्ड पेडागॉजी क्लास 1 और 2 में जा पाएगी, या ऐसा तो नहीं कि फॉर्मलाइजेशन जो क्लास 1 और 2 की है वो उल्टा प्री स्कूल में उतर के आ जाए. तो यहाँ पे इस चीज का बहुत ध्यान में रखने वाली बात है कि किस प्रकार से इम्प्लीमेंट होगा. और यहाँ मेरे ख्याल से जो एक रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स थे उनका बहुत बड़ा रोल था, और हम जो अर्ली चाइल्डहुड सेक्टर में हैं हम लोग ये बकायदा मांग करते रहते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन से रिलेटेड अपने अलग तरीके के स्टैंडर्ड्स हैं, अलग तरीके के मानदंड और नॉर्म्स हैं, और उनको अलग से नोटिफाई किया जाए. कई 2-4 राज्यों में इसका प्रयास भी रहा है, और एक तरीके से अगर हम बॉडीज के रूप में देखें तो NCPCR ने भी और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने भी क्वालिटी स्टैंडर्ड 2013-14-15 इस समय में तैयार किए थे. परंतु अगर अब इस पॉलिसी में ये बात है कि रेगुलेशन इज सेल्फ रेगुलेशन, रेगुलेशन इज सेल्फ डिक्लेरेशन, सो एक्चुअली देखिए इन फिलोसॉफिकल टर्म्स इट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हम खुद ही इतने मॉरली मेच्योर हैं कि हम अपने आप को अकाउंटेबल मानते हैं, हम अपने आप को अकाउंटेबिलिटी अपनी हम पब्लिक डोमेन में दिखाते हैं. परंतु ये कहाँ तक हमारे देश में हो पाएगा इसकी मुझे थोड़ा सा इस बात में डाउट है कि अगर हम केवल सेल्फ रेगुलेशन के उससे जाएंगे तो जो हमें अभी प्री स्कूल में सेक्टर में जो हमें दोनों तरफ की चीजें दिखती हैं, सरकारी आंगनवाड़ी में मिनिमलिस्टिक अप्रोच है और लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स जो कि बहुत ज्यादा जो कि कहते हैं कि जितनी आंगनवाड़ियां हैं शायद उतने ही लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स हैं देश में इस समय, और वहां पे पूरा फॉर्मलाइजेशन है. तो दोनों ही जो है वो मानदंड ठीक नहीं आ रहे हैं, और ये मानदंड जो है वो भी बहुत क्लियर नहीं है कि क्या सरकारी इंस्टीट्यूशंस और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस दोनों के लिए होंगे, क्योंकि जो थोड़ा बहुत कुछ पहले काम हुआ है उसमें हमने देखा है हिमाचल की गवर्नमेंट ने जब नॉर्म्स लाए हैं रेगुलेटरी नॉर्म्स फॉर अर्ली चाइल्डहुड, तो उसमें सरकारी इंस्टीट्यूशंस को छोड़ दिया गया है, उनके ऊपर नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स नहीं रहे हैं. तो ये नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स की जो बात है मेरे हिसाब से दैट इज ऑल्सो अ बिट ऑफ अ ग्रे एरिया इन दिस पॉलिसी.
आगे बात बढ़ाते हुए मैं ये कहूंगी कि जो चार मॉडल्स प्रस्तुत किए गए हैं, इक्विटी की जो बात कही है अमरीश जी ने और नंद किशोर जी ने, तो उसमें जो चार मॉडल्स अभी अर्ली चाइल्डहुड के लिए बताए हैं, आंगनवाड़ी स्टैंड अलोन, आंगनवाड़ी को लोकेटेड इन गवर्नमेंट स्कूल, आंगनवाड़ी सॉरी प्री प्राइमरी सेक्शन इन प्राइमरी स्कूल्स एंड इंडिपेंडेंट प्री स्कूल्स, ये चार मॉडल्स बताए गए हैं। तो इन अ वे ये तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मॉडल्स ही हैं, दे आर इट्स जस्ट अ सो टू से अ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द सिस्टम। सिस्टम में ये चार सिस्टम तो हैं। अब अगर जेन्युइनली स्कूल के साथ जोड़ने का इंटेंशन है तो हमें कुछ ऐसा कहना चाहिए कि वन और द अदर मॉडल इज मोर प्रेफर्ड मॉडल या दिस विल बी द मोर डोमिनेंट मॉडल। मैं केवल एक मॉडल की बात नहीं करूंगी क्योंकि देश की जिस तरीके की डाइवर्सिटी है उसके अंदर शायद हमें विभिन्न मॉडल्स की जरूरत है, परंतु हम सर्टेनली एक डोमिनेंट मॉडल और एक सेकेंडरी मॉडल के भाषा में शायद बात कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल टू टॉक अबाउट इट। और इसमें अगर हम रियली हमारा इंटेंशन है दैट 3 to 6 शुड बी अ पार्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन, देन द डोमिनेंट मॉडल हर मोस्ट स्टेट्स में इसको प्री प्राइमरी स्कूल्स के साथ, प्री प्राइमरी को प्राइमरी स्कूल्स के साथ लोकेट होने का मॉडल जो है वो आना चाहिए। और इसका मतलब केवल ये नहीं कि हम आंगनवाड़ी को लोकेट कर दें, आंगनवाड़ी को लोकेट करने का मतलब तो वही सब आंगनवाड़ी की जो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस और चैलेंजेस हैं वो तो साथ ही लेके अपने जाएंगे को लोकेशन में, कोई बहुत ज्यादा उसमें फर्क नहीं रहेगा। और जो एक मेन आंगनवाड़ी की इशू है वो ये है कि वन वर्कर गिविंग 6 सर्विसेज, और इस कारण से वो जो प्री स्कूल एजुकेशन है रिसर्च आफ्टर रिसर्च में यही दिख रहा है, और अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन CECED अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी अगर आप जाएं तो आप उनकी रिपोर्ट देखेंगे जो 2014 की रिसर्च है इन 3 स्टेट्स, असम, तेलंगाना और एक और स्टेट है उसमें राजस्थान। तो उसमें हम देखेंगे कि उन्होंने 3 प्रकार के प्री स्कूल सेटिंग स्टडी करी हैं, आंगनवाड़ी, लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स और जिसको हम कहेंगे इनोवेटिव स्कूल्स, यानी कि जहाँ पे एक बहुत अच्छी तरीके से प्री स्कूल एजुकेशन का काम चल रहा है। तो रिपोर्ट में अभी भी 2014-15, 16-17 रिपोर्ट की फाइंडिंग्स यही है कि ना तो आंगनवाड़ी में सही तरीके से बच्चों के लिए पढ़ाई हो रही है और ना ही इन लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाई हो रही है। तो एक टोटली जो मैकेनिज्म को है बदलने का, डिलीवरी जो है उसको बदलने की बात थी, वो अभी कुछ बहुत यहाँ पे नजर नहीं आई है। चार मॉडल्स हैं तो वो तो अभी भी हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आंगनवाड़ी को ही हमने मेन रखना है तो फिर जो इक्विटी की बात इत्यादि है वो कैसे आएगी इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ टीचिंग। हाँ, इक्विटी इसमें जरूर है कि हर आंगनवाड़ी हर एक की पहुंच में है, परंतु एक्सेस इज नॉट द ओनली इंडिकेटर। एक्सेस कर लिया, परंतु एक्सेस करके हमें वहां मिल क्या रहा है। और जब हमने अलायंस फॉर द राइट टू अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, जिसकी मैं मेंबर हूँ, हमने जब कस्तूरी रंगन जी की रिपोर्ट पर भी अपनी टिप्पणी, हमारे अलायंस ने जब फॉर्मल सबमिशन सबमिट किया था तो तब भी हमने ये बात कही थी, वंस अगेन इम्प्लीमेंटेशन में ये कहाँ तक संभव हो पाती है कि बहुत ही डिसेंट्रलाइज तरीके से आप एक मैपिंग कीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हर जगह आंगनवाड़ी खराब है, आप एक डिसेंट्रलाइज तरीके से मैपिंग कीजिए, डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल पे मैपिंग कीजिए, और जहां पे प्री प्राइमरी एजुकेशन आंगनवाड़ी के माध्यम से सफलतापूर्वक दी जा पा रही है वहां पे दीजिए, जहां पे एक प्री प्राइमरी सेटिंग में स्कूल में उठा के लाने की जरूरत है या पॉसिबल है वहां पे दीजिए। तो अब ये किस लेवल तक इस तरीके से डिसेंट्रलाइज प्लानिंग हमारे सरकार में पॉसिबल है या परमिटेड है, ये एक अलग बात है। तो इस बात पे भी जो है इसमें गुणवत्ता की जो बात है वो अफेक्टेड होगी। नंद किशोर जी ने जो बात कही थी कि कोई ऑलरेडी 25 मीटर आगे दौड़ में खड़ा हो, तो जो बच्चे एक एलीट प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, प्री स्कूल एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, एक समृद्ध वातावरण से भी आ रहे हैं, उनके माँ बाप भी घर पे भी शायद बहुत लर्निंग अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, तो वो तो आगे ही 25-50 मीटर आगे रेस में खड़ा है। तो गुणवत्ता की रेस में ऑलरेडी हमारा जो स्टार्ट है
ऑलरेडी बहुत पीछे से स्टार्ट हो रहा है अगर हम क्वालिटी एजुकेशन आंगनवाड़ी में इम्प्रूव करने के लिए ना कहें। एक और बात जो हम कहते आए हैं कि ठीक है, माना कि तुरंत आप शायद प्री प्राइमरी सेक्शन को प्राइमरी स्कूल के साथ अटैच नहीं कर सकते, तो कम से कम आंगनवाड़ी में दो आंगनवाड़ी वर्कर दीजिए और जो एक आंगनवाड़ी वर्कर हो वो फुली ट्रेंड हो फॉर प्री स्कूल एजुकेशन। ऐसा भी कोई भी बिल्कुल भी मेंशन नहीं है, जबकि ये कई बार इस बात के ऊपर हमारा हम सभी क्षेत्र में सभी लोगों ने इंडिविजुअल और अलायंस के माध्यम से भी इस पे कहा गया है। तो वंस अगेन स्टेटस को ज्यादा नजर आ रहा है इस बात में। टीचर ट्रेनिंग की बात में भी मेरा पर्सनल नजरिया है, जबकि ये एजुकेशन के दायरे में शायद ये बहुत अच्छी एक बात मानी जा रही है कि 12th के बाद 4 वर्ष का टीचर एजुकेशन रहेगा जिसमें व्यक्ति 4 वर्ष लगाएगा और एक टीचर होके निकलेगा, और यह बात अर्ली चाइल्डहुड के ऊपर भी है। तो वंस अगेन पॉलिसी वाइज हम अर्ली चाइल्डहुड को जो पूरा एक टीचर एजुकेशन का फ्रेमवर्क बनाया है हमने, उसमें पॉलिसी वाइज अर्ली चाइल्डहुड को भी जोड़ा है। ये बहुत अच्छी बात है, इट्स अ वेरी गुड थिंग। परंतु यहाँ पे मेरा वंस अगेन एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन मेरा एक क्वेश्चन है, और उसमें ये है कि जो NCTE जो है, जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जो सभी प्रकार का टीचर एजुकेशन रेगुलेट करती है इंक्लूडिंग टीचर एजुकेशन फॉर द अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स, इसमें अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स के जो मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन है उनको NCTE से रिकग्निशन लेना पड़ता है तभी वो चला पाते हैं। तो आज तक देश में केवल 15 स्टेट्स में ही रिकॉग्नाइज्ड नर्सरी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है। तो आज और इसका जो आउटपुट है लगभग 6,000 टीचर्स ऑन एन ईयरली बेसिस रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। सो अगर हमारा अभी तक हम इतना ही अपना स्कोप कर पाए हैं, सो 2030 तक हम मुझे पर्सनल अपनी कैपेसिटी में ये मानना बड़ा मुश्किल लग रहा है कि किस प्रकार हम 4 साल का BEd कोर्स इवन फॉर अर्ली चाइल्डहुड हम कैसे इंस्टीट्यूशनलाइज करेंगे और देश के हर स्टेट में इसको हम उपलब्ध कराएंगे, जबकि अब तक हम तो जो 2 साल का प्री स्कूल डिप्लोमा है उसके लिए भी हम पूरे जो टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो पूरे देश में नहीं अभी तक हम इकट्ठा कर पाए हैं। तो जो ये एक सिंगल मॉडल हमने बनाया है, बीच में कुछ इंटरिम मॉडल्स की भी अगर बात की जाती तो उससे भी फायदा होता, क्योंकि अभी बहुत कंफ्यूजन है जो इतने सारे 2 ईयर के टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं अभी फिलहाल रिकॉग्नाइज बाय NCTE, उनका क्या स्टेटस रहेगा, क्या बाय 2030 सब 4 ईयर्स में परिवर्तित हो पाएंगे। तो यहाँ पे एक ये कंफ्यूजन है, और साथ ही में जब हम आंगनवाड़ी वर्कर को भी एज प्री स्कूल टीचर मान रहे हैं और एक स्कूल में टीचर को भी टीचर मान रहे हैं, तो स्कूल की जो टीचर है वो उसका रिक्रूटमेंट होगा NCTE के रूल्स के मुताबिक, और आंगनवाड़ी वर्कर जो देती आ रही है आज के दिन में भी प्री स्कूल एजुकेशन, तो आज के दिन में जब शुरुआत हुई थी ICDS की तो आंगनवाड़ी वर्कर का कोर्स होता था 9 महीने का, आप सोचिए, उसके बाद ये कटके हुआ 3 महीने का, उसके बाद आज के दिन में यह है 26 दिन का, और उसमें अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के ऊपर केवल 4 दिन का कोर्स है। तो आज के दिन में तो जो आंगनवाड़ी वर्कर आज रिक्रूट हो रही हैं वो अर्ली चाइल्डहुड के संदर्भ में केवल 4 दिन का कोर्स ही ले पा रही हैं। तो जो दोनों जगह जो हमारी टीचर क्वालिटी है, वंस अगेन टीचर क्वालिटी इज द सेम, इज नॉट द सेम, टीचर क्वालिटी इज इतनी डिफरेंट है। ऑफकोर्स हम कह सकते हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को हम रिफ्रेशर ट्रेनिंग देंगे, बिल्कुल रिफ्रेशर ट्रेनिंग देंगे, रिफ्रेशर ट्रेनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम योर इनिशियल ट्रेनिंग, जो आपकी प्री रिक्वायर्ड ट्रेनिंग है उसका एक बात अलग है, और रिफ्रेशर ट्रेनिंग की जो बात है उसकी बात एक अलग है। तो यहाँ पे ये भी जो है ये प्रॉब्लमेटिक बात है। दूसरी बात जो एक पॉजिटिव है वो है कि 0 to 3 years को पॉलिसी ने इंक्लूड किया है, क्योंकि जब पहले बात होती थी तो ये होता था कि 0 to 3 के एक एजुकेशन पॉलिसी कैसे इंक्लूड कर सकती है, आफ्टर ऑल 0 to 3 आर नॉट गोइंग टू बी इन द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, तो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो है वो 0 to 3 को कैसे इंक्लूड कर सकती है। परंतु बात ये है और ये बहुत अच्छी बात है कि पॉलिसी ने ये रिकॉग्नाइज करा है कि लर्निंग
थिंग्स फ्रॉम बर्थ. सो जरूरी नहीं है कि एजुकेशन जो है वो स्कूल की चार दीवारी में है. इट हैज रिकॉग्नाइज कि 0 to 3 years भी बच्चे की लर्निंग वहीं से शुरुआत होती है और बहुत इंपॉर्टेंट है. परंतु यहाँ पे जो वंस अगेन केवल एक लाइन में ये कह दिया गया है, रिकॉग्निशन है, वेरी गुड, यह बात की गई है करिकुलम की टू बी डेवलप्ड बाय एनसीईआरटी, वेरी गुड. परंतु थोड़ा सा यहाँ पे हमें और विस्तार करना है किस प्रकार से 0 to 3 years को जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की सर्विसेज किस प्रकार दी जाएंगी. हर बच्चा एक सेंटर के सेटअप में नहीं है और ना ही होना चाहिए. हमारा ये मानना है कि अ चाइल्ड इज बेस्ट केयर्ड फॉर इन द फैमिली. परंतु साथ ही हमारा ये भी मानना है कि जहाँ पे फैमिली समृद्ध नहीं है या बच्चा फैमिली के साथ पेरेंट्स के साथ किसी कारण से नहीं रह सकता है तो ऑल्टरनेट केयर अरेंजमेंट्स सरकार को बनाने की आवश्यकता है और बच्चों को वहां पे हर प्रकार से हेल्थ, न्यूट्रिशन, अर्ली लर्निंग, स्टिम्युलेशन, प्ले, इस सब का अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. तो इसका कोई बहुत विस्तार से कुछ भी कहा नहीं गया है, केवल करिकुलम की बात कह दी गई है. परंतु हम क्या करेंगे, क्या हम आंगनवाड़ी कम क्रेशेस की बात कर रहे हैं जो वंस अगेन हमारे सेक्टर में एज अलायंस हम इस बात की बहुत करते हैं कि आंगनवाड़ी कम क्रेशेस, अगर हम आंगनवाड़ी 3 to 6 जहां जहां पे प्री प्राइमरी सेक्शन स्कूल में एस्टैब्लिश करें तो आंगनवाड़ी को हम स्ट्रेंथन करें अंडर 3s की देखभाल के लिए. परंतु ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, शायद प्लान ऑफ इंप्लीमेंटेशन में आएगा. और पेरेंट्स को पेरेंटिंग की बहुत बड़ी जो इस कोविड क्राइसिस में सारी बात उभर के आई है कि पेरेंट्स जो अब बिल्कुल जुड़ रहे हैं बच्चे की एजुकेशन के साथ, जुड़ते पहले भी थे पर पहले उनका रोल थोड़ा सा उतना इंपॉर्टेंस में उनका रोल नहीं था जितना कि अब हम देख रहे हैं कि आ गया है. और पेरेंटिंग, एक करेक्ट पेरेंटिंग की जरूरत तो हमेशा से ही फील होती आई है. हम पेरेंट बन जाते हैं पर हमें पता नहीं होता है कि बच्चों के साथ इंटरेक्ट भी कैसे करना है. ये भी बात फॉर एग्जाम्पल नहीं पता होती है कि बच्चे के साथ बातचीत करें. हमें लगता है जब बच्चा बोलेगा तब हम बोलेंगे, हमें लगता है जब बच्चा कुछ पढ़ने लिखने का देखेगा तब हम उसको कोई किताब स्टोरी बुक दिखाएंगे. परंतु अब जब हम अर्ली लिटरेसी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि रीडिंग बिहेवियर्स तो जन्म से ही शुरू हो जाते हैं. इन द सेंस कि अगर बच्चा एक लिटरेट एनवायरनमेंट में है, लोगों को पढ़ते लिखते देखता है तो एक साल की उम्र तक होते होते अगर वो स्टोरी बुक्स उसके आसपास हों तो पेज पलटना सीखता है. स्टोरी बुक का ऊपर नीचे, पिक्चर का सीधा उल्टा कैसे है, यह करना सीख जाता है. बहुत आश्चर्यजनक बात लगती है परंतु ये सब है. तो पेरेंटिंग के मॉड्यूल्स किस प्रकार होंगे इसका कोई बहुत डिस्क्रिप्शन पॉलिसी में नहीं है. और इसी के साथ जुड़ी हुई बात पे मैं बाती हूँ कि पॉलिसी का ऐसा एक दो जगह पे ऐसा लगता है कि जैसे एक चैप्टर एक ने लिखा हो और दूसरा चैप्टर दूसरे ने. स्पेसिफिक उदाहरण देते हुए बताती हूँ मैं कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का जो चैप्टर है उसमें हम बच्चे को 3 to 8 हमने इकट्ठा क्लब किया, यानी अर्ली चाइल्डहुड प्री स्कूल ईयर्स एंड क्लासेस 1 and 2. पर जब हम फाउंडेशनल लिटरेसी और मैथमेटिक्स के मिशन वाली बात करते हैं, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन की बात करते हैं, तब हम वहां पे बात कर रहे हैं क्लास 1 and above. क्यों? जबकि तो बहुत आपके अर्ली लिटरेसी के जो सारे बिहेवियर्स हैं इंक्लूडिंग एक्सपोजर टू मल्टीपल लैंग्वेजेस, ये तो 5 or 6 साल पहले हो ही जाते हैं. हम जानते हैं हमारे घरों में जो जिनके माता पिता दो अलग अलग अगर लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज से हैं और उन्होंने अगर बच्चे के साथ बातचीत की है अपनी अपनी भाषा में तो बच्चा सहज ही 2 भाषा तो आराम से सीख लेता है और एक तीसरी भाषा भी सीख लेता है, मान लो अगर वो स्कूल में जाता है तो. परंतु फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी का जो बात है उसमें अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स को इंक्लूड ही नहीं किया गया है, वहां क्लास 1 से हम बात शुरू कर रहे हैं. सो वंस अगेन ये एक थोड़ा सा जो आपस में लिंकेजेस हैं वो बिल्कुल गायब हैं. तो क्लास 1 से हम बात कर रहे हैं तो क्या हम केवल फॉर्मल रीडिंग और अल्फाबेट की बात कर रहे हैं जो कि आज तो लैंग्वेज एजुकेशन में तो इस बात को सही भी नहीं माना जाता कि हम जो अल्फाबेट रीडिंग या इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर स्क्रिप्ट यहाँ से शुरुआत करें. नहीं, इससे पहले और बहुत पड़ाव हैं जो बच्चे को अचीव करने हैं और वो सब पड़ाव अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स में होते हैं जिसका कि यहाँ पे लिंकेज उसके साथ बहुत ज्यादा से उन्होंने
नहीं किया है। कमर्शलाइजेशन की बात अमरीश जी ने कही और बिल्कुल डेफिनेटली मैं भी कहूंगी यहाँ पे कमर्शलाइजेशन की बात, क्योंकि जब हमने कुछ कहा ही नहीं है, हम जब ये कह रहे हैं कि हमारे चारों मॉडल्स चलेंगे, प्री स्कूल्स एंड प्री स्कूल्स एंड प्राइमरी एजुकेशन के साथ अटैच या स्टैंड अलोन प्री स्कूल्स, तो बहुत स्टैंड अलोन प्री स्कूल्स तो एलिटिस्ट हैं और इसके बारे में कोई बहुत यहाँ पे मार्गदर्शन नहीं है। एक जो बात इंक्लूजन की हम सभी लोग थोड़े से जो कंफ्यूज हैं वो ये है कि मतलब सेक्टर में तो हम कंफ्यूज हैं कि अचानक आश्रम शाला में 3 to 6 ईयर ओल्ड बच्चे आएंगे, इसका क्या बेसिस है? यह कुछ बात बहुत क्लैरिटी से समझ में नहीं आई, क्योंकि जहां तक हम अब मुझे समझ है थोड़ी बहुत आश्रम शाला की, उसमें यह है कि आश्रम शाला हैं जहां पे 6 ईयर्स एंड अबव बच्चे आते हैं। अब व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट कि 3 to 6 ईयर ओल्ड विल ऑल्सो बी इन आश्रम शाला, ये क्लैरिटी नहीं है। क्या हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं हु मे बी इन जिनकी फैमिलीज उनकी देखरेख नहीं कर सकती हैं, या जो ऑर्फन्स हैं उस केस में अगर हम कह रहे हैं कि अगर कोई 3 to 6 ईयर ओल्ड आश्रम शाला में हैं तो उनको सही ECC प्रोवाइड करनी चाहिए, अगर ये स्पिरिट है तो ठीक है, परंतु अगर ये स्पिरिट है तो फिर ये लिमिटेड है, क्योंकि और कई जगह पे भी बच्चे इंस्टीट्यूशंस में हैं। चिल्ड्रन आर इन ऑर्फनेजेस अनफॉर्चुनेटली, चिल्ड्रन आर इन अडॉप्शन सेंटर्स जहां माँ बाप उनको छोड़ जाते हैं, अभी तक उनको अडॉप्ट नहीं किया, चिल्ड्रन आर इन प्रिजंस। तो अगर हम ये बात कर रहे हैं कि जहां जहां इंस्टीट्यूशनल सेटिंग में बच्चे हैं वहां वहां उनको ECC मुहैया करानी है तो ये बहुत अच्छी है बात है, परंतु उन सभी इंस्टीट्यूशंस का तो लिस्टिंग नहीं है पॉलिसी में, और केवल आश्रम शाला की लिस्टिंग की बात की गई है, और वो कह के कि 3 to 6 ईयर ओल्ड भी प्रोवाइडेड ECC इन आश्रम शाला। तो इसमें यह डर उठता है कि क्या अब हम 3 to 6 ईयर्स को फैमिली से हटा के आश्रम शाला में डालेंगे जस्ट बिकॉज दे शुड गेट ECC, तो ये बहुत क्लियर बात नहीं है, बिकॉज चाइल्ड इज एक्चुअली best cared for in their own family setting. इस बात की वहाँ पे बात जरूर होनी चाहिए। मिड डे मील की बात है और ब्रेकफास्ट की बात है थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से कोऑर्डिनेशन की बात है, परंतु और खुले रूप से अर्ली चाइल्डहुड में जो हेल्थ और ह्यूमनाइजेशन चेकअप्स हैं उनका भी थोड़ा सा लिखना होना चाहिए था। अभी केवल हम ये क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मेंशनड है तो वी आर होपिंग दैट ऑल द हेल्थ सर्विसेज एक्सेट्रा कंटिन्यू टू बी प्रोवाइडेड, पर इसका थोड़ा सा एक्सप्लिसिट अगर मेंशन होता तो It would have been a much better thing. तो आई थिंक ये कहते हुए मैं यहाँ पे अपनी बात समाप्त करती हूँ। मेरे ख्याल में लगभग सभी पॉइंट्स जो मेरे दिमाग में आ रहे थे मैंने बोले, अगर कुछ रह गया होगा तो क्वेश्चन आंसर सेशन में मैं जोड़ दूंगी अगर कुछ दोबारा फिर से दिमाग में आए तो। आई थिंक इसी से अब मैं यहाँ पे कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया रेखा जी, आपके लिए काफी सवाल है। मित्रों, समय का अभाव है लेकिन कुछ सवाल आए हैं और मेरी व्यक्तिगत कुछ टिप्पणियां हैं, उसे मैं जरूर रखना चाहूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये जो साथियों के कुछ सवाल आए हैं वो सवाल मैं एक बार दोहरा दूं, इसके अलावा किसी के सवाल हो तो वो कृपया उसे आप बता दीजिए। एक तो बात कही गई कि ये टीचर की वैकेंसी कब तक भरी जाएगी, और विद्यालयों को सुधारने की इस नीति में क्या व्यवस्था है, प्राइवेटाइजेशन का खतरा जो है वो कितना है, ऑनलाइन एजुकेशन के कितने खतरे हैं, समावेशी शिक्षा कैसी होगी, RTE में जो नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड थे वो अभी कैसे रहेंगे, और प्राइवेट स्कूल का फी रेगुलेशन का क्या नियम रहेगा, 6% GDP कैसे शिक्षा में आएगी, सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में चिंता लोगों ने जाहिर किया है कि इस नीति में कहीं उसका जिक्र है कि नहीं, और एक सवाल यह भी है कि क्या आंगनवाड़ी केंद्र की जो स्टाफ है उसको ये बच्चों का अर्ली चाइल्डहुड केयर का एजुकेशन और केयर के अलावा दूसरे कामों से मुक्त किया जाएगा या दो छह काम भी चलते रहेंगे। और एक सवाल और है कि आश्रम शाला में किस प्रकार के बच्चों को रखा जाएगा और क्यों रखा जाएगा। इसके अलावा किसी साथी के कोई सवाल हो तो कृपया आप बोल दें। तो ये जो अभी तक सवाल आए हैं इन पर मैं चाहूंगा कि जो है हमारे जो पूर्व वक्ता
अभी बोल के गए हैं, यदि कोई उसमें से उत्तर देना चाहे या स्पष्टीकरण करना चाहे तो कृपया बहुत संक्षेप में अपनी बात रखें। एक सवाल और आया है कि एडल्ट एजुकेशन का कहीं इसमें चर्चा नहीं है, और COVID-19 में टीचर की क्या भूमिका होगी। हमारे वक्ताओं से निवेदन है कि कोई इस पर प्रकाश डालना चाहेगा। आए हैं, इन पे मैं जरूर बोल रही हूँ कि नहीं, आंगनवाड़ी में यही तो जो एक डिफिकल्टी एरिया है कि वो बाकी अपना काम करती रहेंगी और उसी के साथ पीसफुल एजुकेशन देने की बात है। देखिए, आंगनवाड़ी की जो संकल्पना है वो अपने आप में बहुत बेहतरीन संकल्पना है, क्योंकि ये हम जो ये संकल्पना का जो फिलोसॉफिकल बेस है वो ये है कि किसी भी बच्चे को एक अकेली सर्विस देने से लाभ नहीं होगा। हम एक बच्चे को हेल्थ देने पर न्यूट्रिशन ना दें, हेल्थ और न्यूट्रिशन देने पर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ना दें, प्री स्कूल एजुकेशन ना दें, तो बच्चे का कोई लाभ तो नहीं हो रहा। तो कॉन्सेप्ट वाइज आंगनवाड़ी या ICDS इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। प्रॉब्लम केवल इम्प्लीमेंटेशन पे आती है। तो अगर ये हो सकता संभव कि आंगनवाड़ी में रहते हुए बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्री स्कूल शिक्षा मिले तो इससे अच्छा कोई और बात नहीं। परंतु पॉइंट वही है कि आंगनवाड़ी के अपने जो रिकॉर्ड्स का रखरखाव है ओवर द ईयर्स वो बहुत बड़ा है, चाहे कम भी हुआ है पर उसको वो बड़ा हुआ ही मानते हैं। आंगनवाड़ी वर्कर को दूसरे कामों में भी लगा लेते हैं उसकी 6 सर्विसेज के। हेलो, तो इसीलिए ये सारी मांग है या जो ये सारी बात है कि या तो एक और आंगनवाड़ी वर्कर रहे और या फिर एक डेडिकेटेड तरीके से स्कूल में प्री प्राइमरी सेक्शन को ले जाए और वहां पे हेल्थ इम्यूनाइजेशन और न्यूट्रिशन सर्विसेज भी बच्चों को मुहैया करवाई जाए। तो कॉन्सेप्ट ये है। और आश्रमशाला में कौन से बच्चे आएंगे ये तो मैं भी, मतलब हम भी प्रश्न ही कर रहे हैं, हमें भी बिल्कुल भी क्लियर नहीं समझ में आया कि आश्रमशाला में 3 to 6 years कौन से बच्चे आएंगे। क्या ऐसे बच्चों की बात है जिनके पेरेंट्स नहीं हैं या कारण से देखभाल नहीं कर पा रहे हैं? आदिवासियों के बच्चे होंगे? नहीं नहीं, आदिवासियों के तो होंगे, परंतु अभी तक जो आश्रमशाला का कॉन्सेप्ट है उसमें तो यही है ना कि 6 years एंड अबव।